तो जी मैंने एक चाय एक लस्सी ऑर्डर की, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वो लस्सी पी रहा है। आई पाकिस्तान की याद, पाकिस्तान बस गया है, पाकिस्तान इस लस्सी में बस गया है। मुझे पूरा रमजान याद आ गया है, पूरा पाकिस्तान याद आ गया लस्सी पी के। जी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज साल का पहला दिन, अभी पहला दिन ही है, और अभी होटल में आराम वगैरह करके निकले हैं। अभी पहले तो पाकिस्तानी चाय पीते हैं, और फिर आज का प्लान ये है कि मैं भी एक टूरिस्ट हूँ, ये भी एक टूरिस्ट है, हमारा पहला दिन है केल में, तो किसी को शो नहीं करवाना। और आज का जो फिर जो केल को हम देखेंगे वो साथ की नज़र से देखेंगे, क्या ख्याल है इस बारे में? यस बिल्कुल, और मैं इसको कहूँगा कि इसको पहला दिन कम और शाम ज़्यादा कहेंगे। ये मेरी पहली शाम है, और मैंने ये सुना है कि केएल की जो शाम है वो कभी शाम ख़त्म नहीं होती, वो शाम कभी तमाम नहीं होती। तो हम ऐसा करेंगे कि आज हम केएल सेंटर में जाएंगे और केएल सेंटर को जाके एक्सप्लोर करेंगे। एज अ टूरिस्ट मैं जाके जगह को देखूंगा और मैं रिव्यूज़ दूंगा कि ये जगह कैसी है, लोग में इसे कैसे बिहेव करते हैं, एक नया टूरिस्ट होने के नाते लोग कैसे आपको ट्रीट करते हैं। आप लोग इस वीडियो में लाइव और जेन्युइन कंटेंट देख सकते हैं कि लोग एक्चुअली आपको कैसे बिहेव करेंगे अगर आप यहाँ पे केएल सेंटर में पहली दफ़ा जाएंगे। तो पीपल आर वेरी गुड एट जजमेंट्स, दे कैन इजीली जज यू एंड दे कैन इवन रिकॉग्नाइज यू वेयर आर यू फ्रॉम। सो इट्स वेरी, इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग फॉर आवर फर्स्ट नाइट। हाँ तो प्लान तो यही है, पर फिर इसके अलावा देखेंगे कि केएल में, बैंकॉक में इसको एक बंदे ने स्कैम करने की कोशिश की, बाकी क्या बैंकॉक में एक्सपीरियंस था? बैंकॉक में ओवरऑल मैं बैंकॉक को 9.5 पॉइंट्स दूंगा आउट ऑफ 10, बिकॉज द पीपल वर एक्सट्रीमली नाइस। आई वुड नॉट से बिकॉज ऑफ लेस एशियन पीपल, बट सब कॉन्टिनेंटल पीपल, बट द डिफरेंस इज बैंकॉक के अंदर सिर्फ एक आदमी था जिसने मेरे से एक्स्ट्रा 20 बात सर्विस चार्जेस के तौर पर लेने की कोशिश की। बट ओवरऑल 9.5 पॉइंट्स टू बैंकॉक। नाउ आई विल एक्सप्लोर कुआलालंपुर एंड देन आई विल गिव पॉइंट्स टू कुआलालंपुर आफ्टर दिस नाइट। सो लेट्स सी के क्या 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 देखने को मिलता है और क्या क्या सुनने को मिलता है। मैं भी एक्ट करूंगा कि मैं भी यहाँ पे नया हूँ, और फिर हम देखेंगे कि कोई स्कैम करने की कोशिश करता है कि नहीं। ये ज्यादा मजेदार होगा क्योंकि लोग इसको स्कैम नहीं कर सकते, ये यहाँ पर 10 साल से है, तो पीपल कैन नॉट स्कैम हिम। Yeah. तो चलो पहले भी मैं यहाँ से पाकिस्तानी चाय पीते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाए। और सीम्स लाइक इट्स अ वेरी नाइस होटल सो फॉर, इट्स आवर फर्स्ट एक्सपोजर टू एनी रेस्टोरेंट इन कुआलालंपुर। ये कुआलालंपुर का पहला रेस्टोरेंट है जहाँ पे मेरा फर्स्ट एक्सपोजर है, और अभी तक नाइस लग रहा है क्योंकि घर जैसी फीलिंग आ रही है, सब लोग अपने अपने लग रहे हैं, सब पाकिस्तानी हैं, देख के आपको सलाम करते हैं, आपसे अच्छे से बिहेव करते हैं। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तानी पीपल, दे आर वेरी हॉस्पिटलाइज्ड एंड दे आर वेरी नाइस सो फॉर। चलो जी इसका तो पहला, अभी मैंने जब रमजान में लास्ट अफ्तारी की थी वो यहाँ पे की थी, यहाँ की चाय मुझे अच्छी लगी थी, पहले इसको चाय पीते हैं फिर इसके बाद केएल की तरफ निकलते हैं। तो जी मैंने एक चाय एक लस्सी ऑर्डर की, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वो लस्सी पी रहा है। आई पाकिस्तान की याद, पाकिस्तान बस गया है, पाकिस्तान इस लस्सी में बस गया है। मुझे पूरा रमजान याद आ गया है, पूरा पाकिस्तान याद आ गया लस्सी पी। तो जी यहाँ पे हमारे माइक का ज़रा इशू हो गया था, तो हमने साथ में यहाँ पे फूड स्ट्रीट में मैं इसको लेके गया, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो साथ को वहाँ पे स्मेल आ रही थी क्या वो यहाँ पे इसको आती है कि नहीं। तो एक जगह पे जाकर उसको स्मेल आई और फिर मुझे पता चल गया इसको किस चीज़ की स्मेल आ रही थी। तो वो स्मेल इस चीज़ की थी कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा फिश ऑयल यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी कुछ थाईलैंड और चाइनीज़ जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे ये ऑयल यूज़ किया जाता, तो उस वजह से। तो मैंने कहा चलो इसको मैं एक्सपीरियंस करवाता हूँ, मैं देखता हूँ इसको कहाँ पे जाकर वो स्मेल आती है। तो वो जो उसको स्मेल आ रही थी पूरे थाईलैंड में वो फिश ऑयल की थी, और क्योंकि वहाँ पे हराम खाना भी पकता है तो उस वजह से पोक वगैरह की भी स्मेल अपनी बहुत ज़्यादा होती है, तो साथ को वो स्मेल आ रही थी। लेकिन यहाँ पे इसको ऐसी कोई स्मेल नहीं आई, और हम लोग बड़ा इंजॉय कर रहे थे इस फूड स्ट्रीट को। और यहाँ पे साथ ने देखा कि यहाँ पे हर किस्म का खाना नज़र में लड़ा था उसको, थाई चाइनीज़, ये बहुत ज़बरदस्त ये फूड स्ट्रीट है कुआलालंपुर में बुकी लंतांग में। यहाँ पे हर किस्म का आपको फूड मिल जाता है, आपको हलाल फूड भी मिलता है, आपको हर तरह का चाइनीज़ मले हर काफ़ी किस्म का आपको फूड ईजीली मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने फूड वगैरह खाया कुछ नहीं था क्योंकि हमने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जाना था। तो ये आप देख रहे हैं क्राउड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, अभी
एक कोविड के बाद उस तरह से नहीं है, ये देखें साथ की तरफ। तो अभी यहाँ पे स्ट्रीट पे वही फूड कोर्ट के अंदर ही ये फूड स्ट्रीट है, समय यहाँ पे ये लाइव सिंगिंग वगैरह कर रहे थे लोग। तो यहाँ पे हम यहाँ से चलते हुए गए, ये काफ़ी लंबी फूड स्ट्रीट है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइम गुजारा और यहाँ पे हम फिर आगे निकले पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। और यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट देख के साथ की खुशी आप देख ही सकते हैं उसके फेस पे, क्योंकि इसने तकरीबन 5 दिन वहाँ पे रहा और इसने सिर्फ मैकडोनल्ड और चॉकलेट वगैरह खा के गुजारा किया, वो भी वो बाहर जाके खाता मैकडोनल्ड जहाँ पे उसको स्मेल नहीं थी आती। किसी फूड स्ट्रीट में तो इसने जाने की हिम्मत ही नहीं की ना उसके बाद, और जो उसकी आपने स्टोरी लास्ट वीडियो में देखी है, और यहाँ पे भी वो पाकिस्तानी लोगों को मिलकर ज़रा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़न किया, फिर यहाँ से पाकिस्तानी लोगों के साथ गपशप की, और उसके बाद मैंने भी ऐसे प्रिटेंड किया था जैसे मैं यहाँ पे पहले नहीं आया, लेकिन कुछ लोग मुझे जानते थे क्योंकि यहाँ पे मैं पहले आ चुका हूँ काफ़ी दफ़ा इस रेस्टोरेंट पे। फिर यहाँ पे साथ को बिरयानी ली थी हमने, और नान लिया था साथ, थोड़ा सा बीफ का सालन लिया था। मैंने कहा इसको मैं पाकिस्तानी खाना खिला दूँ, मैं इसको असल में लेके मलेशियन फूड ट्राई करवाना चाह रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये ट्राई करें, लेकिन उस टाइम में मुझे डर भी लग रहा था अगर इसको पसंद ना आया तो ये आगे 5 दिनों से इसने कुछ ठीक तरह से खाया, फिर मैंने कहा बेटर यही है कि इसको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट लेके जाओ, और उसने बहुत इंजॉय किया वो फूड। और फिर उसके बाद हमने यहाँ से खाना खा के हम आगे निकले, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा केल को एक्सप्लोर किया, और फिर एट द एंड हमने सोचा कि हम वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट डे हमने फिर निकलना था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थका हुआ था, और होटल पे इसने बस कुछ देर के लिए सोया था। और साथ का फीडबैक ये था कि जी इसको यहाँ पे आके यहाँ पे केल में इसने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे आपको हर किस्म का फूड मिल जाता है, हर तरह के लोग नज़र आते हैं वहाँ के थाईलैंड के मुकाबले में, यहाँ पे आपको इंडियन अरबिक हर तरह के लोग आपको नज़र आएंगे, स्पेशली आप अगर कुआलालंपुर में हैं तो। तो साथ को बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लगा था यहाँ का, तो और देख ही सकते हैं कि कितना वो एक्साइटेड था, क्योंकि इसने 5 दिन के बाद इतना पेट भर के खाना खाया, वो पाकिस्तानी खाना मिल गया इसको फाइनली, और हमने काफ़ी बहुत इंजॉय किया हम दोनों, और ये वन ऑफ द बेस्ट नाइट थी जो मैंने केल में गुजारी, क्योंकि बहुत 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 देर से मेरा कोई दोस्त मुझे मिला नहीं था, और फाइनली हम 8-9 साल बाद दोबारा मिले और इतना फ़न किया, और मज़े की बात हमने कुछ भी प्लान नहीं था किया, वो ये सारा बस ऑन द स्पॉट प्लान किया और निकल गए। चलें जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।